प्यारियो अंतम अरदास नहीं है, ये सिर्फ अरदास है। जदों तुसी दीप सिंह नूं याद करोगे उदों तुहाडे विच इस योधे की अरदास हुंदी रहूगी। सत्कारयोग सात संगत जी, निम्रता सहित आप नूं फतेह अर्ज करदे, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज सिख कौम दे लई जिन्ने भी मनुखी अधिकारां दी कदर करदे है, सरदार दीप सिंह सिद्धू दा परिवार ते सारी कौम दे लई अज बहुत वड्डा सोग दा दिहाड़ा है। अज आपां ने उन्हां दी अरदास करनी है जिहड़े इहो जे योधे सूरवीर हुंदे है, उन्हां दी कदे भी अंतम अरदास नहीं होया करदी। जदों भी तुसी इहो जे सूरमे नूं याद करोगे तां तुहाडे मन दे विच उस वेले अरदासां हुंदियां रहणगियां। जिवें संत जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दी साडे युग दे विच जदों याद करदे हैं ते अरदास हुंदी है। सरदार दीप सिंह ने बहुत कुछ अपनी छोटी उम्र दे विच हासिल कीता। जदों सिख कौम अपनी आजादी का जंग लड़ रही सी उस वेले इन्हां दे परिवार नूं बड़ा कष्ट झलना पिया। इन्हां दियां जमीनां जायदादां पुलिस ते फौज वाह दिंदी सीगी और कोई इन्हां दे परिवार नूं जमीन दे विच फसल नहीं सी करन दिंदे। तो सत्कारयोग साध संगत जी, ये बहुत भीड़े समय दे विच गुजरे ने। सरदार दीप सिंह नूं जिथे मैं पढ़िया बिशप कॉटन स्कूल शिमले दे विच पाता सी, क्यों करके इस परिवार का पिछा हुकूमत हिंदुत्ववादी नहीं सी छड़दी। इन्हां दी पढ़ाई लिखाई बहुत वड्डी होई है। ये लंडन वलैत दे किंग्स कॉलेज दे विच इन्हां ने उच्ची पढ़ाई कीती ते वकालत दी डिग्री हासिल कीती। साडी कौम दे विच कोई भी एड्डा वड्डा वकील जिहड़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तों जां किंग्स कॉलेज तों वकालत करके आए, उह साडे विच सिख कौम दी सेवा करन दे लई नहीं उतरदा। इह इक बड़ी वड्डी घाट है। ਉਹ ਘਾਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗੀ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਬਲੈਤ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ
मुहम्मद अली जिन्ना सी ਉਹ ਵੀ ਲੰਡਨ ਵਲੈਤ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ बहस करके अपने अपनी कौमां दे हक ले ले हिंदू नू इंडिया मिल गया मुसलमान नू पाकिस्तान मिल गया पर जे उस दिन साडे कोले सरदार दीप सिंह वर्गा वलैत दा पढ़िया होया वकील ਉੱਥੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੀਜਾ ਮੁਲਕ ਤੀਜਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਸੋਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਉੱਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਪੱਟ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਵਾਇਆ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ
चढ़ के अपना नाम निशान उत्थे चढ़ाता। इस तो पहला बाबा इस तो पहला बाबा बघेल सिंह ने 1743 दे विच लाल किले दे विच किला चढ़ाया सी। सो जो सरदार दीप सिंह ने 26 जनवरी नू जिद्दन संविधान इंडिया दा लागू होया उस दिन निशान साहिब चढ़ाउणा एक इतिहास दे विच मतलब रखूगा कि सिख गुलाम नहीं है। जिहड़ा संविधान बनिया सी संविधान बनाउण वाली कमेटी दे विच दो वकील सी सरदार हुकम सिंह ते भुपिंदर सिंह मान। जदों उन्होंने देखिया कि बहुत गिनती हिंदुआं ने सिखां दे दित्ते होए वादे नहरू ते गांधी ने नहीं मन्ने, फिर साडे सिखां वल्लों इस संविधान दे उत्ते दस्तखत नहीं होए। ये बहुत वड्डी कानूनी गल है। तो मैं बहुत ज़्यादा दुख प्रगट किया कि जिद्दन सिद्धू साहब का अकाल चलाना होया जरा चुप कर जो प्लीज, फिर मैं पूरी गल नहीं कर सकूंगा, सारिया गल्लां नहीं दस सकूंगा जो हुई है सिख कौम दे नाल। सो जिद्दन एक्सीडेंट होया उहदे विच बहुत कुछ रह गया, उहदे विच साडे शक है कि ये हादसा कराया गया, क्यों करके जदों भाई दीप सिंह सिद्धू नूं गिरफ्तार किया सी 3 दिन उन्हां नूं रोटी पानी नहीं दिता, सौण नहीं दिता, फिर इंडिया दियां जिन्नियां भी खुफिया एजेंसियां इन्हां दी पुछगिछ करन आईआं, इन्हां ने उन्हां नाल धीज दे नाल गल्लां कीतियां, पर जिहड़ी सिखी सोच सी उस नूं किसे दे अगे कुरबान नहीं होण दित्ता। पर सब तो वड्डी चीज क्यों करके मैं पुलिस अफसर रहा, वह वड्डी चीज ये होई कि दिल्ली दा मुख कोतवाल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिहड़ा कि कदे भी किसी की पुछगिछ करन नूं नहीं आउंदा, वह भी सरदार सिद्धू की पुछगिछ करन दे लई आया और उसने कहा कि देख ये जिहड़ा मुल्क है ये बहुत ताकतवर मुल्क है, जिहड़ा इस मुल्क नूं तोड़न की कोशिश करूगा उस नूं ये मुल्क कदे नहीं करन दूगा। सो मैं समझदा कि जिद्दन ये हादसा होया पिछे सरदार दीप सिंह की गड्डी दे सरकार की गड्डी लगी सी जिहदे कोले टेलीफोन मोबाइल सीगे और ट्रक वाले कोले भी टेलीफोन मोबाइल सीगे, पिछली गड्डी दे इशारे ते ट्रक ड्राइवर ने एडी जोर दे ब्रेकां मारियां कि सिद्धू साहब की गड्डी
एकदम रुक नहीं सी सकदी। उहदे टायरां दे निशान सड़क ते अजे भी खुब्बे होए है। मैं पुछना चाहुंदा कि जदों ट्रक दे अगे ना बंदा आया ना जानवर आया ना मोटर आई, फिर ट्रक ड्राइवर ने ये ब्रेकां क्यों मारियां एकदम? ते सरदार सिद्धू दे जिस्म दे उत्ते कोई खास सट्टा नहीं सी, पर मत्थे दे विच विचकार एक वड्डा सराख सीगा, जिहदा मतलब है कि इन्हां दी अकाल चलाना किसे तरह कराया गया। ट्रक दे विच सरिया नहीं सी लद्दिया गया, जे सरिया हुंदा तां मैं समझदा कि इन्हां दे सिर दे विच सरिया खुब्या। जदों सरिया है नहीं सी, फिर एड्डा वड्डा सराख सिर्फ मत्थे दे उत्ते क्यों होया? ये जिहड़ी 1947 तो बाद हिंदुत्ववादी हुकूमत है, ये इहो जिहे कम करदी है। मैनूं याद है कि एक बहुत पढ़िया लिखिया ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी का अखबार नवीस पत्र लेख सी, उहदा नां सी धिरन भगत। उसने जदों 1984 तो बाद राजीव गांधी का राज आया, उहदा गृह वजीर छोटा चिदंबरम सीगा। उस वेले अफगानिस्तान दे उत्ते कब्जा सोवियत रूस का होया हुआ सी। चिदंबरम ने बहुत हवाई जहाजों के राही बंदूकां ग्रनेडां मशीन गन्ना मंगाइया, ते एक बाबा बिरसा सिंह हुंदे सीगे दिल्ली दे कोले, उन्हां दी आश्रम सी। ये असला उत्थे लेके गए, ते जिहड़े बनौटी सिख सीगे बाबा बिरसा सिंह दे डेरे दे विच उन्हां नूं सिख मर्यादा सिखाई जांदी सी कि किहड़े कपड़े पाउणे है, किवें पाठ करना है, किवें सिखां दी मर्यादा रखनी है। ट्रेनिंग दे दौरान जिहड़े अफगानिस्तान तों शस्त्र मंगाए होए सी उन्हां दा वी इस्तेमाल करना उन्हां नूं सिखाया। उस वेले साडा आजादी का जंग चढ़दी कला दे विच सीगा, पर इह जिहड़े घुस बैठीए बाबा बिरसा सिंह दे डेरे दे विच ट्रेन होए होए सी, इन्हां ने साडे घरां दे विच बाहर जिहड़े डेरे सी उन्हां दे विच घुस बैठ कराती कि इह सिंह ने, ते इन्हां ने उन्हां घरां दे विच जा के जिहड़ी बीबियां दी बेअदबी कीती, इन्हां ने उह जिहड़ा साडा स्ट्रगल सीगा जद्दोजहद उस नूं बदनाम करके रखता। ते जिहड़ा धिरन भगत ने बाहर दे मुल्क दे न्यूज़पेपर दे विच अपनी रिपोर्ट दित्ती सी कि अफगानिस्तान तो असला मंगाया गया, उस नूं छेती ही शक्की तरीके दे नाल उस नूं मार दिता गया। मैं उहदी इनक्वायरियां दे लई जिहड़े दुनिया भर दे अखबार नवीस है जर्नलिस्ट उन्हां नूं शिकायतां कीतियां कि धिरन भगत दी तफतीश की जावे कि इस नूं किवें
मौत दे काट तारिया गया, पर सात संगत जी जो साडा जोर नहीं है ना असी अपना जोर अजमाना चाहते हैं। 1984 तो बाद असी कोई मैंबर असेंबली च नहीं भेजिया जेड़ा ये चीजा पूछे कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवालिया दा संस्कार कित्थे होया, कित्थे भोग पिया, कित्थे फुल पे, बिल्कुल उजाड़ होया पिया, ये किहदा कसूर है? साडा। क्यों करके वोट असी पाउंदे हैं तो तुसी समझो कि वोट की किन्नी कीमत है। उस अखबार मीस दी अज तक भी जिवें मैनू शक है दीप सिंह दा अकाल चलाना करन दा, उहदा भी मैनू दुख ते मैं समझना चाहुंदा कि उस नूं क्यों मारिया गया। सन 2000 चेते करो, अमरीका दा प्रेजिडेंट क्लिंटन आए सीगे कश्मीर दे विच, एक सिखां दा नरोल पिंड चिट्ठी सिंहपुरा, उत्थे इंडिया दी फौज ने 43 नौजवान सिख बीबियां कतल करतियां सी। असी मर गए उहदी तफतीश कराउण नूं, पर अज तक नहीं हुई। पर एक साबित होया कि ओह मुसलमानां ने नहीं सी मारे, उहदी तफतीश पूरी हुई। क्यों करके हिंद हुकूमत ये दावा करती सी कि कश्मीर के मुसलमानों ने यह माड़ा काम किया। प्रेजिडेंट क्लिंटन के नाल उन्हां दी उस वेले दी फॉरन मिनिस्टर विदेशी वजीर मैडलीन ऑलब्राइट भी आई सी, उन्हें जिहड़ी किताब लिखी है, मैं बस करा, चलो मैं खत्म कर दें। जेड़ी विदेशी वजीर सी उसने अपनी किताब दे विच फिर लिखिया कि ये जान बुझ के सरकार वाजपाई एल के अडवाणी ने फौज तो सिखां दे कतल कराए है, वो दिखाउणा चाहुंदे सी हिंदुत्ववादी सरकार कि यह सिर्फ हिंदुआं नूं नहीं मारिया जा रहा पर सिखां दे उत्ते भी एक कश्मीरी कतलेआम करन लग पए है। सो साध संगत जी इहो जे दौर दे विच्चों अपनी कौम चल रही है, गुजर रही है, अज अखबारां दे विच क्यों नहीं दस्या जांदा कि सिमरनजीत सिंह मान ये कह रहा है? क्यों करके साडा जोर ते असर अज है नहीं गा। अज मैं पुछना चाहुंदा जिद्दण सरदार दा भोग सरदार दा सरकार संस्कार होया उदों कोई भी बादल दलिया एसटीपीसी दमदमी टकसाल कांग्रेस आम आदमी पार्टी बीजेपी का उत्थे कोई नहीं बोलिया, और उदों बाद किसी ने भी अफसोस का बयान नहीं दिता। सो ये जिहड़े साडे लीडर है ये साथों हुण उखड़ गए है। जिहड़ी सोच सरदार दीप सिंह ने साडे विच नवीं रूप फूकी है संत जरनैल सिंह भिंडरांवालिया दी, उस दे उत्ते दीप सिंह ने कहा असी चलांगे। जिद्दण सरदार दीप सिंह ने आ कृपान फड़ी, एक कृपान इतिहासक है, ये जनरल हरी सिंह
अकाली फूला सिंह ते जरनैला ने जदों 1819 दे विच अफगानिस्तान फतेह किया, एक कृपान ये नाल गई सी। इसने कोई बकरे बुकरे नहीं वड्डे, इसने दुश्मनां दे सिर वड्डे होए है। जदन दीप सिंह सिद्धू ने हाथ दे विच झाड़ू फड़ लिया, शांति दी अपील करो महाराज, शांति करो, मैं क्या शांति करो। जिदन सरदार दीप सिंह ने हाथ दे विच झाड़ू फड़िया, मैं सरदार दीप सिंह नूं इशारा दिता कि आ लै एक इतिहासक कृपान भी फड़। मैं तां दित्ती कि मैं समझण लग पिया सी कि जदों मैं रिटायर होया ते मैनूं अगला आगू लभ गया, इस करके सो सात सिंह जी सिख कौम दे लई अज अफसोस का दिहाड़ा, बहुत अफसोस है, पर जो चीज सरदार दीप सिंह छड़ के गया उदे परिवार नूं कौम संभूगी, उदे दोस्तां मित्रां नूं संभूगी, जिहड़ा उन्हां दा मोर्चा है वारस पंजाब दा उस नूं संभूगी। साडे मसले खत्म नहीं होए, बरगाड़ी 2015 दे विच बादल सुखबीर सिंह समेत सैनी ने सरसे साध राहा मरीम दे नाल गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की सी, अजे 260 दिन हो गए है साडी पार्टी का मोर्चा चलदा है, ते मैं कौम नूं बेनती करदा कि 6 तरीक नूं आ जिहड़ी हुण आ रही है अगले महीने 6 मार्च उदण असीं भाई दीप सिंह सिद्धू नूं याद करांगे। सो 11 बजे आप जी ने बरगाड़ी गुरद्वारा साहब 10वें पातशाह दे गुरद्वारा साहब दे विच दर्शन देने है, ते सरकार नूं दसना जितिए हारीए पर असी गुरु ग्रंथ साहब का इंसाफ लेके छड़ना। हुण मैं आप तो आग्या मंगदा, अरदास का टाइम हो गया, पर ए प्यारियो अंतम अरदास नहीं है, ये सिर्फ अरदास है। जदों तुसी दीप सिंह नूं याद करोगे उदों तुहाडे विच इस जोधे की अरदास हुंदी रहूगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।